गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज मैं सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाऊंगी। देखिए आपकी बुक का नाम है आदाबे उर्दू। देखिए सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए हम अपना इंडेक्स देखते हैं। सबसे पहले कि हमारा पी ए टू सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने आपको बताया था 11 to 13 चैप्टर आ रहे हैं। पार्ट 11 में मैंने आपको 11 चैप्टर करा दिया है, पार्ट 12 में मैंने आपको 12 चैप्टर कराया था। अब मैं आपको कराऊंगी आज वर्जिश के फ़ायदे पार्ट 13 में, ठीक है। पार्ट 13 में आज आपको मैं सबक नंबर 13, पार्ट 13 सबक नंबर 13 है और पार्ट भी आपका 13 है वर्जिश के फ़ायदे। पेज नंबर 58 पर आपको ये चैप्टर दिया हुआ है, तो सभी बच्चे से ओपन करिए। पार्ट 13 के साथ साथ हमारा आज क्या हो जाएगा, पी ए टू सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए। देखिए सबक नंबर 13 वर्जिश के फ़ायदे, द एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। वर्जिश बोलते हैं एक्सरसाइज को, तो ये आपका पार्ट 13, ठीक है। मैं इस चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की ही वजह से हम अपनी एक्सरसाइज और अपना सवाल जवाब कंप्लीट करेंगे। देखिए अरशद नाजिश और अनवर बड़े गहरे दोस्त थे। अरशद और नाजिश अनवर कौन थे, बड़े गहरे यानी बहुत पक्के दोस्त थे। तीनों रहते भी एक ही मोहल्ले में थे, यानी एक ही जगह रहते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। उनके घर भी करीब करीब ही थे। एक अहम बात यह है कि वो तीनों हम जमात थे, हम जमात यानी दर्जे के साथ ही एक ही क्लास में थे। उनकी आदतें बहुत अच्छी थी, सबसे अदब पेश आते और सबसे मिलजुल कर रहते, इसलिए सब उन लड़कों की तारीफ़ करते थे। पिछले साल वो पांचवी जमात के तालिब इल्म थे, यानी पिछले साल वो कौन सी क्लास के थे, पांचवी। अब नीचे देखिए अरशद और नाजिश अमीर घराने के लड़के थे। वो अच्छी गिज़ा दूध और फल वगैरह कसरत से खाते पीते थे, ठीक है। अरशद नाजिश कौन थे, अमीर घराने से थे। तीन कौन दोस्त थे, अरशद नाजिश अनवर। लेकिन अरशद और नाजिश जो थी वो अमीर घराने के लड़के थे। वो अच्छी गिज़ा दूध और फल वगैरह कसरत से खाते थे। कसरत कहते हैं ज़्यादातर खाते थे। उन्हें हर तरह के ऐश नसीब थे, यानी उन्हें हर तरह के आराम नसीब थे। लेकिन बहुत अच्छी गिज़ा और फलों से भी उनकी सेहत उनको फ़ायदा ना हो रहा था, यानी वो अच्छी गिज़ा खाते थे, फल खाते थे, लेकिन उनकी सेहत को यानी हेल्थ को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उनकी सेहत अनवर से अच्छी नहीं थी। उनकी सेहत क्या थी, अनवर से अच्छी नहीं थी। अनवर एक मामूली किसान का लड़का बेटा था। अनवर क्या था, एक मामूली किसान का बेटा था। सादा गिज़ा खाता, दूध दही और घी वगैरह उसे भी खाने को मिलते, क्योंकि उसके यहाँ गाय और भैंस वगैरह पाली जाती थी। अनवर कौन था, अनवर एक किसान का बेटा था। सादा गिज़ा खाता था, वो अच्छी गिज़ा भी नहीं खाता था जिसमें दूध फल वगैरह सब मिलते हों। वो सादा खाता था, दूध पीता था, दही खाता था और घी वगैरह उसे भी खाने को मिलते, क्योंकि उसके यहाँ गाय और भैंस वगैरह पाली जाती थी। लेकिन फल और मेवे उसको मैसर ना थे, लेकिन वो फल और मेवे नहीं खा पाता था, हासिल नहीं हो पाता। मैसर बोलते हैं हासिल नहीं होना। उसके बावजूद उसकी सेहत नाजिश और अरशद से कई दर्जा बेहतर थी। लेकिन उसकी सेहत जो थी वो किससे बेहतर थी, नाजिश और अरशद से कई दर्जा बेहतर थी, यानी उससे अच्छी थी। उसका जिस्म तवाना, हड्डियां मजबूत, तमाम अजाएं जिस्म मितना सब और चेहरे की रंगत भी सुर्ख थी। नाजिश और अरशद अक्सर सोचा करते कि हम अच्छी गिज़ा खाते हैं। नाजिश और अरशद अक्सर क्या सोचते थे कि हम अच्छी गिज़ा खाते हैं, फल और मेवे खाते हैं, फिर भी हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं। अनवर को तो ये तमाम चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं, तब भी वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद और तवाना है। अब देखिए उसका क्या राज है। आखिर उससे पूछने के लिए अरशद और नाजिश उसके पास पहुँचे और कहने लगे भाई अनवर, आज ये बताओ कि तुम्हारी अच्छी सेहत का क्या राज है। जब अरशद और किसने
अनवर नाजिश और अरशद ने सोचा कि अनवर की सेहत हमसे अच्छी है और हम हर चीज़ खाते हैं और उसको ये चीज़ें मैसर भी नहीं हो पाती हैं, तो वो दोनों कहाँ गए, अनवर के पास पहुँचे और पूछने लगे, अनवर ये बताओ कि तुम्हारी अच्छी सेहत का क्या राज है, हम लोग अच्छी गिज़ा और फल मेवे वगैरह खाने के बावजूद भी सेहतमंद तवाना क्यों नहीं होते जैसे कि तुम हो। ये सुनकर अनवर ने कहा, मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ, दौड़ता भी हूँ और सुबह को सवेरे सवेरे सब्जे पर नंगे पांव टहलता हूँ। उसने क्या बताया, मैं वर्जिश करता हूँ यानी एक्सरसाइज करता हूँ, दौड़ता भी हूँ और सुबह 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 सवेरे सवेरे सब्जे पर नंगे पांव टहलता हूँ यानी इस पर, ठीक है। मेरे दादाजी ने बचपन ही से मुझ में ये आदत डलवा दी है। वो किसने बताया था कि मेरे दादाजी घास पर टहलते थे यानी उस पर सब्जे पर नंगे पाँव टहलते थे, सुबह सवेरे जाते थे टहलने के लिए और क्या एक्सरसाइज करते थे, उनको मुझे आदत मेरे दादाजी ने दी है, यही है मेरी सेहत का राज। इसके बाद से अरशद और नाजिश भी वर्जिश करने और सुबह को चहलकदमी की आदत डाली। लगातार कई महीनों तक वो दोनों ऐसा करते रहे। उसके नतीजे में कुछ अरसे बाद अरशद और नाजिश भी सेहतमंद नज़र आने लगी, उनकी सेहत भी पहले से बेहतर हो गई। अरशद और नाजिश की सेहत में अनवर ने जब काफ़ी फ़र्क देखा तो वो पूछने लगा, तुमने ऐसा कौन सा तरीका या नुस्खा अपना लिया, तुम लोगों की सेहत पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रही। अरशद और नाजिश उसके सवाल के जवाब में कहने लगे, भाई अनवर, हम लोगों ने भी तुम्हारी बताई हुई बातों पर अमल किया और अब हम भी ऐसा ही करते हैं जैसा तुमने बताया। हमें वर्जिश की अहमियत मालूम हो गई है, उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। प्यारे तालिब इल्मों, वर्जिश से जिस्म तवाना और हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दिल और दिमाग ताजगी मिलती है और बहुत सी बीमारियाँ दूर रहती हैं, इसलिए हम सबको वर्जिश की आदत डालनी चाहिए। वर्जिश की यानी एक्सरसाइज की आदत हमें डालनी चाहिए, इससे क्या होता है, हमारे जिस्म तवाना होता है, हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं, दिल और दिमाग को ताजगी मिलती है और इससे हमें क्या है, हम बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं। एक्सरसाइज हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम सबको वर्जिश की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कम्प्लीट होता है। यहाँ पर अल्फाज मायने दिए हैं तो सभी बच्चों को याद करने हैं इसे। अब आगे देखते हैं, अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पार्ट 13 की, ठीक है। मैं यहाँ शो कर देती हूँ पार्ट 13, तो सभी बच्चे आप भी कर दीजिए। देखिए, दरअसल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो सही है इस पर हमें क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट है, पिछले साल वो जमात के तालिब इल्म थे, छुट्टी के 7वीं के 5वीं के थे, वो पिछले साल किसके थे, 5वीं के थे, तो सभी बच्चे राइट कर दीजिए थर्ड ऑप्शन पर। फिर आपका सेकंड है, अरशद नाजिश घराने के लड़के थे, गरीब अमीर दरमियानी, अरशद और नाजिश थे अमीर घराने के लड़के। फिर थर्ड है, अरशद और नाजिश को अहमियत मालूम हो गई मेवे और फलों की गिज़ा की वर्जिश की, किसकी वर्द पता चल गई थी, अहमियत वर्जिश की। अनवर के वालिद थे टीचर, किसान, साहूकार, वो अनवर के वालिद थे किसान, ठीक है। तो आपको थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है, यहाँ सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है, या थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है, या सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है। यह हमारे कंप्लीट हुए। अब नीचे हैं दर्ज है जुमलों में खाली जगह भरिए। तो देखिए, फर्स्ट है, डैश अमीर ख़ानदान के लड़के थे, ठीक है, तो ये थे है पूरा। अरशद और नाजिश थे, कौन थे, अरशद और नाजिश अमीर ख़ानदान के लड़के थे। अब सेकेंड है हमारा, हमें वर्जिश की अहमियत डैश हो गई है मालूम हो गई है। थर्ड है, तीनों रहते भी एक ही डैश में थे मोहल्ले में। फोर है, उन्हें हर तरह का ऐश नसीब था, ठीक है। किस तरीके से आपको लिखना है, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा दूँ जिससे आप इसे लिख सकें। देखिए, तो आपको फर्स्ट में लिखना है अरशद और नाजिश मालूम मोहल्ले नसीब। अब आपके नीचे दिए हुए हैं दर्जेल सही जुमलों के सामने राइट और गलत के सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। अब हमें सही जो सही जुमला होगा उसके सामने राइट लिख देंगे, जो गलत होगा उसके सामने रॉन्ग लिख देंगे। फर्स्ट है, तीनों दोस्त सबसे अदब से पेश आते थे, राइट। सेकेंड है, अरशद और नाजिश गरीब घराने के लड़के थे, रॉन्ग, अमीर घराने के थे। थर्ड है, अनवर एक मामूली किसान का बेटा था, राइट। फोर है, उसके बाद से अरशद और नाजिश ने भी आराम करने की आदत डाली, रॉन्ग, वर्जिश करने की आदत डाली। तो फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट, फोर्थ में राइट।
फोर्थ में रॉन्ग, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट, फिर रॉन्ग। अब हमारे हैं दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए, तो ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। अब हमारा है देखिए, किसने कहा, सामने कोसिंग यानी ब्रैकेट में लिखिए। फर्स्ट है भाई अनवर, आज बताओ कि तुम्हारी अच्छी सेहत का क्या राज है। किसने कहा था ये, देखिए अरशद और नाजिश के, अरशद और नाजिश, ये लिखा हुआ है ऊपर, अरशद और नाजिश के पास पहुंचे और कहने लगे अरशद और नाजिश। किसने कहा था ये, अरशद ने और नाजिश ने, तो हम लिखेंगे अरशद और नाजिश। सेकंड है, यही है मेरे सेहत का राज, ये कहा था अनवर ने, ठीक है। थर्ड है, हमें वर्जिश की अहमियत मालूम हो गई है, इसके बेशुमार फायदे हैं, ये कहा था अरशद और नाजिश ने। वर्ष अरशद और नाजिश, अनवर अरशद और नाजिश। अब है हमारा ग्रामर स्टडी। अब है दर्ज अल्फाज की जमा प्लूरल लिखिए। अमल, अब जमा यानी प्लूरल कहते हैं, बहुवचन लिखना है। अमल का एमाल, हड्डी का हड्डियाँ, तालिब इल्म का तालिब इल्मों, गिज़ा का गिज़ाएँ, नुस्खे का नुस्खे, ठीक है, इस तरीके से लिखना है, ठीक। अब है हमारे दर्ज अल्फाज के मुतजाद यानी उल्टे लिखना है, जिद लिखनी है आपको। कमज़ोर, ताकतवर, नुकसान, फ़ायदा, तारीफ, बुराई, गरीब, अमीर, बीमार, तंदुरुस्त, ठीक है। देखिए मैं आपको उसे थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। हमारा यहाँ क्या होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको कराऊंगी आपके चैप्टर के सवाल जवाब। देखिए तो सभी बच्चे अपनी कॉपी खोल लीजिए उर्दू की, उर्दू का हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से। देखिए पी ए टू स्टार्ट हुआ था हमारा पार्ट 11 यानी सबक नंबर 11 से, नबी की बेटी बीबी फातिमा, ठीक है। मैंने इसके सवाल जवाब भी आपको कॉपी पर कराए थे, फिर पार्ट 12 में मैंने नूरुद्दीन जहांगीर के बारे में पढ़ाया था, उसके भी सवाल जवाब मैंने आपको कॉपी पर कराए थे। फिर आपका 13 चैप्टर है आज, सबक नंबर 13, वर्जिश के फ़ायदे, ठीक है। तो सभी बच्चों को सबसे पहले डेट शो करनी है यहाँ पर, जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। पार्ट 13 लिखना है, सबक नंबर भी आपका 13 है, चैप्टर का नाम है आपका वर्जिश के फ़ायदे, ठीक है। सभी बच्चों को डेट ज़रूर शो करनी है यहाँ पर, और पार्ट बी। फिर हेडिंग लिख रही है, दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। ये आपको हेडिंग नीचे दी हुई है, देखिए यहाँ पर दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। फिर आपको पहला सवाल दिया है, तीन दोस्त कौन कौन थे, नाम बताइए। तो मैंने लिखा है सवाल लिखकर, तीन दोस्त कौन कौन थे, नाम बताइए। तो देखिए मैं आपको चैप्टर में बता देती हूँ, यहाँ पर आपको दिया है अरशद, नाजिश और अनवर, बड़े गहरे दोस्त थे, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट आंसर है, अरशद, नाजिश और अनवर बड़े गहरे दोस्त थे। तो आपको ये देखिए जहाँ से सब चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका, पेज नंबर है आपका 58, यहीं से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट आंसर आपको पेज नंबर 58 से लिखना है। तो मैं यहाँ पेज नंबर शो कर देती हूँ, आपको आंसर लिखना है, पेज नंबर 58, ठीक है, पेज नंबर 58 से आप लिख दीजिएगा। अब आपका दूसरा सवाल दिया है, अरशद और नाजिश कैसे घराने के लड़के थे, ठीक है। अब सभी बच्चों को पढ़ता है, मैंने चैप्टर में बताया था अरशद और नाजिश अमीर घराने के लड़के थे, तो हम कहाँ से लिखेंगे, देखिए जहाँ हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसी के नीचे लिखा हुआ है, अरशद और नाजिश अमीर घराने के लड़के थे। तो आपका ये दूसरा जवाब है, अरशद और नाजिश अमीर घराने के लड़के थे। तो ये आपको पेज नंबर 58 से आपको लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर भी पेज नंबर शो कर देती हूँ, आपका पेज नंबर 58 से आपको ये आंसर लिखना है। अब आपका है तीसरा सवाल, अनवर की जिस्मानी बनावट कैसी थी, अनवर की जिस्मानी बनावट बतानी है। देखिए यहाँ पर दिया है, अनवर एक किसान, मामूली किसान का बेटा था, सादा गिजा खाता था, दूध दही वगैरह उसे भी खाने को मिलते क्योंकि उसकी यहाँ गायें और भैंस वगैरह पाली जाती थी, लेकिन फल और मेवे उसको मैसर नहीं थे, उसके बावजूद भी उसकी सेहत थी अरशद की कई जा, उसका जिस्म दवाना, हड्डियाँ मजबूत, तमाम अजाएँ जिस्म में मितना सब, और चेहरे की रंगत भी सुर्ख थी,
ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा जवाब है। उसका जिस्म तो आना, हड्डियाँ मजबूत, तमाम अजाएँ जस्म मतना सब, और चेहरे की रंगत भी सुर्ख थी। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, पेज नंबर 58 से ही आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पेज नंबर शो कर देती हूँ आपका, पेज नंबर 58। ठीक है, अब आपका सवाल नंबर 4 है, वर्जिश के क्या फ़ायदे बताए गए हैं। वर्जिश के क्या फ़ायदे बताए गए हैं, देखिए आपको नीचे दिया हुआ है, वर्जिश से जिस्म तवाना और हड्डियां मजबूत होती हैं, दिल और दिमाग को ताजगी मिलती है और बहुत सी बीमारियां दूर रहती हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका सवाल नंबर जवाब नंबर 4 है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपका, जहाँ आपका 59 पेज नंबर है, अल्फाज मायने के ऊपर ही दिया हुआ है लास्ट में, वर्जिश से जिस्म तवाना हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दिल और दिमाग को ताजगी मिलती है और बहुत सी बीमारियाँ दूर रहती हैं। तो ठीक है, तो पेज नंबर 59 से आपको ये आंसर लिखना है, पेज नंबर 59 से। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ से क्या होता है, सवाल जवाब कंप्लीट हो जाते हैं, डेट शो करिएगा, पार्ट 13 लिखिएगा, सबक नंबर 13, सबक का नाम लिखिएगा, वर्जिश के फ़ायदे, फिर लिखिएगा दर्जन सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर फर्स्ट है, तीन दोस्त कौन कौन थे, नाम बताइए, पेज नंबर 58 पर आपको ये आंसर मिलेगा। फिर आपको दूसरा सवाल है, अरशद और नाजिश कैसे घराने के लड़के थे, अरशद और नाजिश अमीर घराने के लड़के थे, ये आंसर भी आपको पेज नंबर 58 पर ही मिलेगा। फिर थर्ड है आपका, अनवर की जिस्मानी बनावट कैसी थी, ये भी आंसर आपको पेज नंबर 58 पर ही मिलेगा। अब लास्ट है आपका 4, अरशद वर्जिश के क्या फ़ायदे बताए गए हैं लिखिए, तो ये आंसर आपको पेज नंबर 59 पर मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पर PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, PA2 कोर्स हो गया यहाँ पर आपका कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको बुक पर एक बार बता देती हूँ, फर्स्ट आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, बुक पर ध्यान दिएगा सभी बच्चे, और सेकंड आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, थर्ड आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और फोर्थ आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है। ठीक है, और उसके सवाल जवाब आपको कॉपी पर करने हैं। यहाँ आपका क्या होता है, PA2 का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो हम बुक पर भी लिख लेंगे, PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चों को क्या करना है, अपना वर्क कंप्लीट करना है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अगर आपके पीछे के पार्ट रह गए हैं किसी के 12 और 11, तो सभी बच्चे सबसे पहले उसको काम करेंगे, उसके बाद पार्ट 13 देखेंगे, उसके बाद अपना उसका काम करेंगे। ठीक है, सवाल जवाब सभी बच्चे कॉपी पर करिएगा और एक्सरसाइज बुक पर ही रखिएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, PA2 कोर्स कंप्लीट होता है वीडियो पार्ट 13 के साथ। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।